हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई टिप के साथ कि हम इन डिजाइन के अंदर नंबर लिस्ट किस प्रकार से लगाते हैं, यानी कि पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के बाद हमें उसमें तीन चार पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो हम उसमें नंबर लिस्ट किस प्रकार से लगाते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं कि हम इन डिजाइन के अंदर बुलेट लिस्ट किस प्रकार से लगाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप जब बुलेट लिस्ट लगी हुई है, हम ये किस प्रकार से लगाते हैं, मैंने इसी अपनी पिछली वीडियो में बात किया, इसके बारे में बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। और इस वीडियो में आज मैं बात करूँगा कि हम इस जो सेगमेंट है, इस सेक्शन के अंदर जो नंबर लिस्ट होती है, न्यूमेरिक जो होते हैं 1, 2, 3, 4 रोमन में या फिर हमारे जो है इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं, उसके अंदर हम इस प्रकार से नंबर लिस्ट किस प्रकार से लगाते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं इस इंडियन ट्यूटोरियल के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट फ्रेम लिया है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं टेक्स्ट फ्रेम है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ भी, जैसे ये पैराग्राफ ऑलरेडी है, मैंने यहाँ पेस्ट किया, मान लीजिए मेरा पैराग्राफ है यहाँ पे, ये पैराग्राफ है और इसके नीचे मुझे लिस्टिंग करनी है, लिस्ट वन, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री, ये तीन लिस्ट हैं। अब मुझे इनके आगे नंबर डालने हैं, तो आप यहाँ टाइप में जाइए, टाइप में जाने के बाद बुलेट एंड नंबर लिस्ट है, यहाँ पे अप्लाई बुलेट्स है, जो मैंने आपको बताया बात कर चुका हूँ उसके अंदर कि बुलेट्स लगाने के लिए होता है, जैसे कि हम बुलेट लग जाते हैं। और जो दूसरा वाला सेक्शन है, जो दूसरा वाला पॉइंट है अप्लाई नंबर्स, हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बन जाता है, नंबर लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि हमारा जो हम नंबर्स कैसे अप्लाई करते हैं, अब हम इसको करेक्टर स्टाइल के अंदर किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, सो दैट कि हम इसे अगर ये बोल्ड करना हो या बड़ा करना हो, छोटा करना हो, सिर्फ नंबर्स को, तो हम उसे किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो अभी ये मैं आप खोलता हूँ, ये मेरे पैराग्राफ स्टाइल्स हैं, आप इसको यहाँ पर टाइप में जाइए और आप यहाँ से पैराग्राफ स्टाइल्स भी खोल सकते हैं, या फिर करेक्टर स्टाइल, दोनों आप यहाँ ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं पैराग्राफ स्टाइल्स के और करेक्टर स्टाइल्स के, आपने यहाँ खोला। तो ये अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट में डाला है ये अप्लाई हो रहा है, बीडी बॉडी टेक्स्ट जो हमारा मैंने बनाया हुआ है, स्टाइल बनी हुई है ऑलरेडी। ये भी हम स्टाइल्स कैसे बनाते हैं, आप मेरी पिछली वीडियो सर्च करेंगे, इसका तरीका बता दूंगा, आप कैसे सर्च कर सकते हैं मेरी वीडियोज़ को, पुरानी जितनी वीडियोज़ हैं, आप ये मैंने बनाया हुआ था। और इसके अंदर एक मैंने ये जो नंबर अप्लाई किए हैं, जो ब्लड्स अप्लाई किया है मैंने इसके अंदर, आप यहाँ पे जो अप्लाई किया है यहाँ से, और उसको अप्लाई करने के बाद यहाँ प्लस साइन आ गया है कि जो स्टाइल है ये मॉडिफाई कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक न्यू देता हूँ, यहाँ पे एक करता हूँ न्यू स्टाइल, क्रिएट न्यू स्टाइल, और इसको नाम देता हूँ मैं नंबर लिस्ट, न्यू MBER LIST, ये नंबर लिस्ट हो गई। बेस्ड ऑन, अगर आपको बॉडी टेक्स्ट अप्लाई करना हो तो रख सकते हैं, वैसे मैं जनरली ऑफ कर देता हूँ, हर बार नई स्टाइल कुछ अगर बॉडी टेक्स्ट में चेंज करूँगा तो ये जो नंबर लिस्ट है ये अपने आप बदल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बदले तो आप इसको अप्लाई बेस्ड ऑन रखिए, या अगर नहीं चाहते तो बेस्ड ऑन ना रखें, इसको नो पैराग्राफ सेट कर दीजिए यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं, तो ये हमारी एक स्टाइल बन गई है और सब पे 1-1 लिख के आ रहा है, आप कोई बात नहीं, यहाँ पे उसमें जाइए ब्लड नंबर लिस्ट में जाइए और इसको स्टार्ट एट 1 है तो कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस नंबर कर दीजिए, तो ये अपने आप 1, 2, 3 फर्स्ट स्टाइल अपने आप लग जाती है। तब यहाँ पे हमारा देखिए दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि 0-1 आपके जिस फॉर्मेट में चाहते हैं कि आपकी जो नंबरिंग है उस फॉर्मेट में आए, आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं किसी फॉर्मेट में, आप ABCD चाहते हैं या 1, 2, 3, 4 चाहते हैं या 0, 1, 0, 2 चाहते हैं, 1, 2, 3, 4 चाहते हैं, तो आप यहां से इसको किसी भी स्टाइल में अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है इसको आप चेंज कर सकते हैं यहां से। ठीक है, जिसमें जो लोअर केस करना है तो मैं यहाँ लोअर केस कर सकता हूँ, जैसे कि आप सबसे पहले शायद ABC होती है हम यूज़ करते हैं, इसके नेक्स्ट 1, 2, 3 होता है और उसके सब सेक्शंस होते हैं 1, 2, 3 होते हैं, आप इसको इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं भी 1, 2, 3 रखता हूँ, तो इसका यहाँ अप्लाई कर देते हैं, उसको ओके कर देंगे तो ये स्टाइल लग जाएगी। अब इसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, जैसे मुझे अब क्या करना क्या है कि जो मुझे 1, 2, 3 है ये सिर्फ मुझे बोल्ड चाहिए, सिर्फ 1, 2, 3 बोल्ड चाहिए और मुझे इसका कलर भी बदलना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए अब करते ओके करते हैं और यहाँ पर जो हमारा 1 है यहाँ पर एक हम करते हैं छोड़ के, यहाँ पर लेते हैं इसके बाद एक करेक्टर स्टाइल। ठीक है दोस्तों, करेक्टर स्टाइल हम आपके सेलेक्ट करें ना करें, इसे 1 यहाँ पे सेट कर लेते हैं, मान लिख कर भी लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे लेते हैं न्यू स्टाइल, इसे करते हैं नंबर, नंबर कलर लिख दीजिए या नंबर बोल्ड लिख दीजिए, जो आपकी चॉइस है, हम चाह आप जिससे आपको इसको नाम याद रखना चाहते हैं कि हमने इसके लिए यूज किया हुआ है। और इसका करेक्टर कलर पर जाइए, आप इसको चाहते हैं कि हम इसको मैजेंटा रखें, मैजेंटा रख देते हैं। अब बेसिक करेक्टर फॉर्मेट हम चाहते हैं कि हमारे जो नंबर हैं ये बोल्ड हो गया है, तो फॉन्ट फैमिली में जाइए और इसको बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोल्ड हो गया, और इसको ओके कर दीजिए।
अब यहाँ अप्लाई किया हमने, इस पर अप्लाई कर दिया है, तो हम इसको अब यहाँ अप्लाई नहीं करते हैं, इसको नन कर देते हैं वापस। हमें यहाँ पे इसलिए अप्लाई किया था कि जो हम वहाँ कर रहे हैं हम यहाँ दिखाई दे कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ताकि जो प्रॉपर्टी जहाँ बदल रहे हैं वो नंबर कलर बोर्ड की, वो हमें दिखाई देती रहे कि यहाँ हमने अप्लाई किया है। वापस जाते हैं पैराग्राफ स्टाइल के अंदर, जो हमने बनाया है नंबर लिस्ट, इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसमें जाते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग पे, और यहाँ पे हमारा होता है एक स्टाइल, करेक्टर स्टाइल, हम इसको यूज करते हैं और लेते हैं नंबर कलर बोल्ड। ये देखिए, तो ये करेक्टर जो हमारा, हमने जो वहाँ स्टाइल अप्लाई किया है करेक्टर स्टाइल, हमने सिर्फ जो नंबर लिस्ट हमने यहाँ यूज की है हमने इसके लिए अप्लाई किया है, और यहाँ अप्लाई करने के साथ ही जो हमने करेक्टर स्टाइल वहाँ यूज की होती है, अगर फ़ॉन्ट वहाँ बड़ा कर देंगे तो यहाँ भी बड़ा हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, या हमें सिर्फ ये उतना ही जा रहा है जितना हमने टेक्स्ट यहाँ पर हमारे बॉडी टेक्स्ट है सेम साइज का रखा हुआ था, सेम साइज का यहाँ शो करेगा। अगर वहाँ जैसे अब इसका मैं बड़ा कर दिखाता हूँ, बड़ा कैसे करते हैं हम इसको, यहाँ नंबर कलर बोल्ड पर गया और यहाँ पर मुझे अब सेलेक्ट नहीं करना कुछ भी, अंडू कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये अंडू कर दिया, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और ये मैं बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट पे गया, इसको मुझे बड़ा करना है। अभी साइज है मेरा है ठीक है, मुझे भी नहीं है क्या साइज यूज किया हुआ है, मान लीजिए मैं इसको 20 कर रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ देखिए ये अपना 20 बढ़ रहा है, 22 करूँगा ये 22 बढ़ जाएगा, लेकिन जो हमारा लिस्ट 1 लिखी हुई है वो सेम रहेगा, सिर्फ हमारा ये जो 1, 2, 3 करेक्टर्स हैं, क्योंकि हमने करेक्टर स्टाइल जो बुलेट नंबर लिस्ट के अंदर करेक्टर स्टाइल यहाँ अप्लाई कर दिया है, तो सिर्फ जो हमारा 1, 2, 3 करेक्टर्स हैं वो बड़े बड़े हुए छोटे होंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज मेंटेन रहेंगे। तो दोस्तों ये टिप आज की थी कि हम अभी पिछली टिप थी कि हम बुलेट लिस्ट को कैसे बदलते हैं, और ये टिप है हमारी कि हम 1, 2, 3 में जो हमारा नंबरिंग लिस्ट हैं हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं और उसको किस प्रकार से ऐड करते हैं किसी अपने इंडियन डॉक्यूमेंट के अंदर, या पैराग्राफ के जो नेक्स्ट सेक्शन बनता है नंबर लिस्ट के अंदर हम किस प्रकार से उसे यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की टिप आपको एक कैसी लगी नंबर लिस्ट क्रिएट करने की यूजिंग करेक्टर स्टाइल, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल के होम पेज पे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ रेड बटन देख रहे हैं, ये मेरा होम पेज है, इस पर मैंने कोरल ड्रॉ के बारे में बहुत सारी वीडियोस, कोरल ड्रॉ के बारे में भी है, इंडियन के बारे में भी है, फोटोशॉप के बारे में कुछ वीडियोस हैं और कुछ जनरल वीडियोस भी मैंने डाली हुई हैं, आप यहाँ से मेरी सभी वीडियोस को मेरा अगर मेरे होम पेज पे हैं तो मेरे होम पेज से एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे होम पेज पर आने के लिए आप यूट्यूब खोलें, और यूट्यूब खोलने के बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स आप ये वर्ड टाइप करें, डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स, तो आप जो पहला चैनल देखेंगे वो मेरा चैनल है, आप इस चैनल पर क्लिक करिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स पे, और आप इस पर क्लिक करने के साथ ही आप इस विंडो पे आ जाएंगे, और इस विंडो पे आप जाने के बाद यहाँ से आप मेरी जितनी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, सारी वीडियोस रिसेंट वीडियोस हैं, ये जो पॉपुलर वीडियोस जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा जो दिखी जा रही हैं, ये वो वीडियोस हैं। इसके अलावा यहाँ से ये सिर्फ इंडियन की वीडियोस आप यहाँ देख पा रहे हैं, पूरी लिस्ट जो है ये पूरी इंडियन की लिस्ट है आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके अलावा नीचे वाली जो है लिस्ट है ये पूरी कोरोड्रॉ के बारे में है, आप यहाँ से कोरोड्रॉ की जितनी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं सारी वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं, और इसके ये फोटोशॉप के 2-3 वीडियोस फोटोशॉप की हैं, इसके अलावा 2 वीडियोस जनरल वीडियोस डाली हुई हैं मैंने, तो आप यहाँ आकर के पूरी लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आप मेरी कोई वीडियो जाकर जैसे कि कोई वीडियो अभी आप एक्सेस कर पा रहे हैं देख रहे हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप उस वीडियो के पेज पर जाते हैं, और आप यहाँ से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करने का दोस्तों फ़ायदा ये हुआ कि मैं कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपके तुरंत आप वो जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है कि मैंने कोई नई वीडियो पोस्ट की है या कोई नई टिप पोस्ट की है, आपको तुरंत आपके इनबॉक्स के अंदर उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, और आप वहाँ से देख पाएंगे कि आपको वीडियो देखनी है या आपके काम की है, आप उसे देखना चाहते हैं कि मैंने क्या डाला है उसमें, तो आप वहाँ से आपको तुरंत उसके बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके अलावा ये आप मेरे होम पेज पे हैं तो मेरे होम पेज से भी आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि यही एक तरीका है जो मुझे जिसकी वजह से जिसके द्वारा मुझे इंस्पिरेशन प्राप्त होगी कि हाँ वो लोग मेरी वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ में पोस्ट कर सकूँ। तो दोस्तों आज की टिप से इतनी ही, धन्यवाद।